वेलकम फ्रेंड्स, मैं देवरान बोल रहा हूँ। ये देखिए, एक ये एलईडी का एक प्रॉब्लम देखिए, पैनल का प्रॉब्लम देखिए। ये देखिए, ये पैनोरामा लिखा डबल इमेज की तरह हो रहा है, इसके बाद चला गया है और नो डिस्प्ले हो गया है। मैं फिर से और एक बार लाइन देकर दिखाती हूँ। देखें, ऐसा सेम सिचुएशन हो रहा है। वो पहले डिस्प्ले आके तो डबल इमेज की तरह होके पूरा ब्लैंक डिस्प्ले हो जा रहा है। मैं आज ये जो कोई भी पैनल रिपेयर करने का पूरा ट्रिक्स मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगा। ये डीसी टू डीसी आईसी क्यों ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा, इसको मैं अभी वोल्टेज दिखाती हूँ। देखिए, देखिए मैंने लाइन दिया, पहले मैं सप्लाई चेक कर रहा हूँ। ये सप्लाई अभी देखिए 4.29। ये एक्चुअली ये 5 वोल्ट का पैनल है, ये किसी की वजह से ये ड्रॉप हो जा रहा है। अभी मैं फिर से सेट अप करके ऑन करती हूँ। देखिए, मैं अभी एवरेज वोल्टेज दिखाऊंगा, एवरेज वोल्टेज कैसा पोजीशन में है। देखिए, यह है एवरेज पॉइंट, इसमें देखिए 10 से 9.65 हो गया है, फिर ड्रॉप, मतलब ये प्रोटेक्शन में चला गया है। इसके बाद फिर अप कर रहा हूँ, इसके बाद मैं वीजीएच का वोल्टेज दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वीजीएच पॉइंट है, वीजीएच का वोल्टेज देखिए, देखिए 17, 18, 19। ऐसा होके फिर प्रोटेक्शन में चला गया है। उसके बाद वीजीएल देखिए, ये वीजीएल है, वीजीएल का वोल्टेज देखिए, ये -5.69। ऐसा होके ये भी बैठ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये सेट में डीसी टू डीसी आईसी काम कर रहा है, लेकिन किसी की वजह से ये प्रोटेक्शन में चला जा रहा है। अभी देखिए, मैंने ये है इसका डीसी टू डीसी आईसी और ये है इसका लेवल शिफ्टर आईसी। इस दोनों आईसी का ऊपर मैंने पेस्ट लगा के रखा है। मैं अभी लाइन दे रहा हूँ इस दोनों आईसी की तरफ, गौर से देखिए। देखिए, दोनों आईसी का ऊपर जो पेस्ट लगाया था मैंने, दोनों ही गल गया है, मतलब ये ओवर हीट हो रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, क्या ये डीसी टू डीसी आईसी ख़राब है और ये लेवल शिफ्टर भी ख़राब हो सकता है, इसीलिए वो सेट प्रोटेक्शन में जा रहा है। मैं अभी क्या करूँगा, मैंने पहले वो लेवल शिफ्टर आईसी को सप्लाई डिसकनेक्ट करूँगा, मतलब मैंने अभी इसका एबीडीडी वीजीएच वीजीएल वो सब ओपन कर दूँगा। ओपन करके देखता हूँ
इसका वोल्टेज स्टेबल होता है कि नहीं, इसका डीसी टू डीसी आईसी ठीक है कि नहीं। देखिए दोस्तों मैंने अभी एवीडीडी वीजीएच वीजीएल आउटपुट डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी इसका एवीडीडी वोल्टेज कितना हो रहा है, देखिए एवीडीडी वोल्टेज अभी स्टेबल हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वीजीएच भी देखिए, वीजीएच भी स्टेबल हो गया है 26.9। और ये वीजीएल -8.10, ये तीनों जो मेन वोल्टेज है ये अभी फिक्स हो गया है। यहाँ पे वीकॉम देखिए, वीकॉम अभी नहीं बना हुआ है। तो अभी इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, क्या ये डीसी टू डीसी आईसी ओके है, इसका अभी सब आउटपुट वोल्टेज सही से निकल रहा है। तो इसके बाद आता है ये लेवल शिफ्टर के बारे, क्योंकि ये भी ज़्यादा हीट हो रहा था, ये भी ख़राब हो सकता है। तो मैं एक एक करके ये सब जोड़ के देखता हूँ कौन सा वोल्टेज में इसका प्रॉब्लम है। देखिए मैंने इसका एवीडीडी और वीजीएल कनेक्ट कर दिया है। अभी देखिए इसका एवीडीडी वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं हो रहा है और इसका वीजीएच भी कनेक्ट किया है, देखिए ये भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। सिर्फ मैंने अभी ये वीजीएल ओपन करके रखा है। वीजीएल ओपन करने से देखिए स्क्रीन में क्या हो रहा है, नो सिग्नल का वो जो वर्टिकल बार वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें वोल्टेज अभी फिक्स है। मैं जब इसको वीजीएल कनेक्ट कर दूंगा तो ये आगे का पोजीशन में आ जाएगा, मतलब जैसा प्रॉब्लम था ऐसा ही हो जाएगा। देखिए मैंने वीजीएल कनेक्ट कर दिया है, अभी इसका पोजीशन देखिए, देखिए ये पहला जैसा था ऐसा प्रॉब्लम आ गया है। तो अब तक क्या हुआ है, ये डीसी टू डीसी आईसी ओके है, लेकिन इसमें ये लेवल शिफ्टर ख़राब हो सकता है और ये पैनल में जो गेट ड्राइवर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आज तक जितना पैनल रिपेयर किया हूँ सब में मैक्सिमम ऐसा ही फॉल्ट आता है, वो वीजीएल एवीडीडी सब बन के बैठ जाता है, सेट प्रोटेक्शन में चला जाता है। ये प्रोटेक्शन में जाने का मतलब है इसका पैनल में और ये स्कलर बोर्ड में कहीं ना कहीं भी कुछ शॉर्टिंग है, इसके वजह से ये सेट इसी विशेष प्रोटेक्शन में चला जाएगा। तो अभी कन्फर्म हो गया है डीसी टू डीसी आईसी ओके है। मुझे फिर देखना है ये लेवल शिफ्टर और ये सीकेबी सिग्नल दोनों गेट ड्राइव को देखना है, इसमें कौन खराब है, कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने अब लोग सोचिए, पहले जब वो जो स्टार्टिंग का वीडियो दिखाया उसमें फॉल्ट क्या हो रहा था, डब्ल्यू एच की तरह आके ये प्रोटेक्शन में चला जा रहा था। इसका मतलब कन्फर्म है इसका लेफ्ट और ये राइट साइड का कोई भी गेट ड्राइव में ही श्योर प्रॉब्लम है। तो मैं अभी क्या करूँगा, लेफ्ट साइड का सीकेबी ट्रैक ओपन करके देखता हूँ क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ये इसका लेफ्ट साइड का सिक्स ट्रैक मैंने काट किया था, काट करने के बाद मेरा सब वोल्टेज फिक्स हो गया था, लेकिन इसमें कोई पिक्चर नहीं बन रहा था। इसका ये जो सिक्स सीकेबी सिग्नल है ये यहाँ से आउटपुट हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6,
ये 6 CKV सिग्नल इधर लेफ्ट साइड में गया है और इधर राइट साइड में गया है। मैंने लेफ्ट साइड काटने के बाद मेरा वोल्टेज सब बराबर हो गया है, लेकिन पिक्चर नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका इधर का गेट ड्राइव सिग्नल भी ओके है। मैंने फिर से क्या किया है, इसको एक से एक मैंने जोड़ता रहा लेफ्ट साइड से, 1, 2, 3, 4 करके एक एक करके जोड़ता रहा। जोड़ने के बाद देखा, पहले जो 4 जोड़ने के बाद, पहले 4 जोड़ने से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, सब वोल्टेज आउटपुट हो रहा था। फिर 5th और 6th नंबर जोड़ने के बाद सेट फिर प्रोडक्शन में चला जा रहा था। इसका मतलब है क्या, ये 5th और 6th की बीच में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया है, अभी देखिए, इसमें थोड़ा पैनल रिपेयर करने के लिए थोड़ा ये धीरज रखना पड़ता है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। आज तक मैंने जितना पैनल रिपेयर किया है उसमें मैक्सिमम कोई छोटा मोटा पार्ट्स खराब मिला मुझे। ये DC-to-DC IC मुझे आज तक 5% भी ख़राब नहीं मिला है। मैक्सिमम सेट कहीं ना कहीं वो शॉर्टिंग के वजह से, ये मैक्सिमम सेट कहीं ना कहीं शॉर्टिंग की वजह से ही DC-to-DC IC प्रोटेक्शन में चले जाते थे। तो मैंने तो इसका लेफ्ट साइड करने के बाद मेरा वोल्टेज फिक्स हो गया है, लेकिन पिक्चर नहीं आया। इसके बाद मैंने क्या किया है, देखिए, मैंने सोचा तो इधर का जो करने से सब वोल्टेज स्टैंड हो गया है तो शायद इधर का प्रॉब्लम होगा, लेकिन इधर का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फिर से ये एक एक करके तो जोड़ दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, देखिए, इधर लेफ्ट साइड में अभी दिखा, मैंने ये राइट साइड का सिर्फ एक ट्रैक काट किया हूँ। देखिए, ये राइट साइड का एक ही ट्रैक मैंने काटा हूँ। ये एक ट्रैक करने में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा है, देखिए, और उसके पास वो सब ट्रैक कोई मैंने काटे नहीं। देखिए, मैंने अभी देखिए ये लोगो आ गया है, ये अभी लिखा भी आ गया है। अभी देखिए इसका वोल्टेज का सिचुएशन, देखिए, ये देखिए एवीडीडी पॉइंट, एवीडीडी वोल्टेज देखिए, ये 14 वोल्ट फिक्स है। और ये VGL नहीं, ये AVDD है, ये VGL है। VGL भी देखिए -8.11 और ये VGH, ये वोल्टेज भी फिक्स हो गया है। तो अब लोग सब पहले से ही देखा है, तो इसका टोटल मैं पैनल रिपेयर करने का टोटल जो स्टेप है वो स्टेप मैंने अभी सब लोगों को दिखाया है, कहाँ से कैसे ये प्रॉब्लम आया है और कैसे मैं ये सॉल्व किया है। इसका देखिए, ये अभी देखिए इसका सप्लाई भी देखिए, सप्लाई भी 4.93 वोल्ट प्रॉपर है, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। मेरा सेट भी अभी चल रहा है, मैं अभी पिक्चर लगा के दिखाती हूँ।
देखिए अमर मन तोर पारा एशे तो पिक्चर मेरा बराबर आ गया है। अमर मन तोर पारा एशे छे तो आशकार लोग। अब ये वीडियो पूरा तरीके से देखा है कैसे ये डिसी प्रोटेक्शन में जाता है और कैसे ये सॉल्व किया है, वो टोटल मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाया है। ये शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, ये वीडियो आप लोगों को शायद अच्छा अगर लगे तो मेरा ये जो YouTube का चैनल है ये आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। मैं ऐसा बहुत तरीके का ये पैनल का टिप्स आप लोगों को साथ शेयर करूँगा। मैंने बहुत वीडियो भी अभी यूट्यूब में दिया हूँ, तो अभी इसका जो मेन फॉल्ट देखिए, ये राइट साइड का सीकेबी सिग्नल का मैंने सिर्फ एक ट्रैक ही डिस्कनेक्ट किया है, इसकी वजह से ये टोटल जो प्रॉब्लम है ये हो रहा था। इधर राइट साइड लेफ्ट साइड का और इसके भी जुड़ा हुआ है और ये डिस्ट्रीब्यूटर एसी और लेवल शिफ्टर कोई अभी हीट भी नहीं हो रहा, सेट पूरा परफेक्ट चल रहा है। पूरा पिक्चर क्वालिटी बराबर आ गया है मेरा। कोई लाइनिंग भी नहीं आया है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।